गुड मॉर्निंग बेटा, आ गए आप लोग म्यूजिक क्लास में, आइए बैठिए। कल बेटा ये क्लास 12th है, म्यूजिक वोकल सब्जेक्ट। मैं डॉक्टर श्रद्धा मालविया, आज मैं पार्ट सेकंड लेके आई हूँ कल वाले चैप्टर का। कल बेटा मैंने आपको नाद के बारे में बताया था, आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में मैंने बताया था, उसकी परिभाषा बताई और उसकी नाद की उत्पत्ति के बारे में बताया था। कल मैंने जितना टाइम लिमिट के अंदर हो पाया था उतना बताया था, और आहत नाद के बारे में बताया, अनाहत नाद के बारे में बताया। आज हम इसका पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं। अब देखिए ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो कल हमने नाद की उत्पत्ति के बारे में जितना हो सका वो बताया, आज हम आगे बता रहे हैं आपको कि कुछ पाश्चात्य आचार्यों द्वारा नाद की व्याख्या की गई और नादोत्पत्ति की वैज्ञानिक प्रक्रिया को सिद्ध किया गया। जैसे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने कि द्रव्य के नियमित कंपन से उत्पन्न संगीतोपयोगी ध्वनि, जिसमें स्थिरता, मधुरता और आकर्षण आदि पाए जाते हैं, वह नाद कहलाती है। समझ में आया? कल भी हमने बताया था, आज थोड़ा सा परिवर्तन के साथ है। कोई भी नाद बिना द्रव्य के कंपन के, बिना द्रव्य के कंपन के उत्पन्न नहीं होता है। किसी द्रव्य का कंपन नियमित होता है और किसी द्रव्य का कंपन अनियमित होता है, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं कि तंत्र वाद्यों के छेड़ने से नियमित कंपन उत्पन्न होता है, और वही ध्वनि संगीतोपयोगी होती है। कि जैसे हम किसी कास्ट निर्मित, मतलब लकड़ी से बने हुए तख्ते पर या चट्टान आदि पर हाथ से आघात जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, अनियमित कंपन होता है। इस प्रकार अनियमित कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सिर्फ कोलाहल ही कह सकते हैं, ऐसी ध्वनि को संगीतोपयोगी ध्वनि हम नहीं कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत में हमारे संगीतोपयोगी ध्वनि, जो संगीत के लिए उपयोगी है, सिर्फ उसी ध्वनि का उपयोग होता है, और शोरगुल, कोलाहल या इधर उधर की बहुत आवाजें जो बहुत मतलब कर्णप्रिय ना हो, कानों को अच्छी ना लगे, ऐसी कोई आवाज उत्पन्न हो तो ऐसी ध्वनि को हम केवल कोलाहल ध्वनि कह सकते हैं, उसे संगीत में हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। अब नादोत्पत्ति की वैज्ञानिक प्रक्रिया कि विज्ञान द्वारा इसे कैसे माना गया कि ये नाद की उत्पत्ति कैसे हुई। किसी भी तंत्रवाद के छेड़ने से तार में नियमित कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन अपने मूल स्थान क से उठकर ऊपर की ओर और ख तक जाता है। जैसे ये देखिए, एक छोटा सा चित्र भी बनाया मैंने, ये मूल स्थान है, यहां से उठकर क से उठकर ख तक जाता है और फिर जब कम होने की अवस्था में फिर नीचे क से ग की ओर आता है, ठीक है, और वहां से लौटकर वह नीचे ग की ओर जाकर पुनः अपने मूल स्थान क पर लौट जाता है। तो ये हमारा तार है, जब हम इसको छेड़ेंगे तो इतना ऊपर जाएगा इतना ही नीचे आएगा और फिर अपने स्थान पर आकर स्थिर हो जाएगा। वह कंपन की एक आवृत्ति मानी जाती है। इस प्रकार यह नियमित कंपन की लगातार आवृत्ति से ही नाद उत्पन्न होता है। अब नाद के लक्षण क्या है? नाद के लक्षण तो आगे बेटा बहुत आगे बताया गया है, लेकिन हमने ये सोचा कि उसकी तारतम्यता खत्म हो जाएगी तो इसी के साथ जोड़ करके हम क्यों ना आपको बता दें, इसलिए हम नाद के लक्षण भी लेकर के आपके सामने आ गए। इसको भी पढ़ लीजिए। नाद के लक्षण, नाद के मुख्यतः तीन लक्षण माने गए हैं। पहला है नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का दूसरा नाद का छोटा बड़ापन, और तीसरा है नाद की जाति अथवा गुण। हम सबसे पहले आपको बताते हैं नाद की ऊंचाई और नीचाई। आंदोलन संख्या के अधिक या कम होने से नाद एक दूसरे से ऊंचा और नीचा होता है। यदि आंदोलन संख्या अधिक होगी तो नाद ऊंचा होगा, स्वाभाविक सी बात है, और आंदोलन संख्या यदि कम होगी तो नाद नीचा होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। जैसे सा के बाद हम रे आता है कि नहीं आता, रे के बाद गा, गा के बाद मा, उसी तरह जैसे कह रहे हैं कि जैसे सा से
ऊंचा रे होता है, रे से ऊंचा गा होता है, और गा से ऊंचा मा होता है, माँ से ऊंचा पा, पा से ऊंचा धा, धा से ऊंचा नी, और नी से ऊंचा फिर सा पर हम दूसरे सप्तक में पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में स्वर बढ़ता चला जाता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि इसकी आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होगी। ठीक, क्लियर है ना? इसी प्रकार ग से नीचा रे होता है। जब हम अब हम अपरोहात्मक स्वरूप में आएंगे कि सा नी धा पा मा गा रे सा, तो गा के बाद रे आया, मा के बाद गा आया, या पा के बाद मा आया, तो गा से नीचा रे होगा, इसलिए रे की आंदोलन संख्या गा से कम होगी, सीधी सी बात है। किसी भी वाद्य को छेड़ते समय बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते समय नाद ऊंचा होता जाता है, और दाहिनी ओर से बाईं ओर जाते समय नाद नीचा होता जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आरोह करते समय स्वरों की आंदोलन संख्या उत्तरोत्तर अधिक होने से नाद ऊंचा होता है, और अवरोह करते समय स्वरों की आंदोलन संख्या उत्तरोत्तर कम होने से नाद नीचा होता जाता है। इसी प्रकार नाद की ऊंचाई नीचाई नाद उत्पन्न करने वाले द्रव्य की आवृत्ति पर आधारित होती है। ठीक बेटा, समझ में आया? अब उसका दूसरा लक्षण है नाद का छोटा अथवा बड़ापन। कह रहे हैं कि संगीतोपयोगी ध्वनि को, कौन सी ध्वनि को? संगीतोपयोगी, जो संगीत में उपयोग लाई जाती हो ऐसी ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जोर से भी उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी ध्वनि को, जो संगीतों को ये ध्वनि होगी उसे हम धीरे से भी कर सकते हैं और जोर से भी उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जोर से उत्पन्न कर सकते हैं। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को छोटा नाद और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को हम बड़ा नाद कहते हैं। छोटा नाद कम दूरी तक और बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। जैसे बांसुरी में यदि जोर से हवा भरी जाती है तो जोर की आवाज निकलती है, और अगर हवा हल्की भरी जाती है तो हल्की आवाज निकलती है। बिल्कुल सही बात है। तो नाद का छोटा बड़ापन नाद उत्पन्न करने वाली वस्तु के कंपन विस्तार पर अवलंबित है। एक उदाहरण और लेते हैं। अगर हम रेडियो को धीरे से बजाते हैं तो वह कम दूरी तक सुनाई पड़ता है, और यदि जोर से बजाते हैं तो अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। ठीक है ना? यही बात प्रत्येक वाद्य के लिए भी है, और यही नाद का छोटा बड़ापन है। अब हम आते हैं इसके तीसरे लक्षण पर, नाद की जाति अथवा गुण पर। वैज्ञानिकों का यह कथन है कि कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता है, उसके साथ साथ कुछ अन्य सहायक नाद भी उत्पन्न होते हैं। इन्हीं नादों को सहायक नाद कहते हैं। सहायक नादों की संख्या तथा उनकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है, जिसके द्वारा एक ही नाद भिन्न भिन्न रूपों में पहचाना जाता है। उसे ही हम नाद का गुण कहते हैं। और नाद की जाति के कारण अगर हमारी आंखें बंद हैं और भिन्न भिन्न वाद्य अलग अलग बजाए जाएं तो हम उस वाद्य को पहचान लेते हैं। इसके अतिरिक्त स्त्रियों और पुरुषों की कंठ ध्वनियों में भी भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। स्त्रियों में भी प्रत्येक स्त्री की ध्वनि तथा पुरुषों में भी प्रत्येक पुरुष ध्वनि भिन्न भिन्न रूपों में पहचानी जाती है। इसी प्रकार वायलिन, सितार, गिटार, इसराज, सारंगी, बांसुरी तथा हारमोनियम आदि वाद्यों पर एक ही षडज स्वर बजाने से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उनकी आपस में समानता होने पर भी एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसके द्वारा हम उन ध्वनियों को भिन्न भिन्न रूपों में पहचानते हैं। तो
क्या होगा, इसी को हम नाद की जाति अथवा गुण कहेंगे। मनुष्य की विशेषता उसके गुणों के कारण ही उसकी उसकी पहचान होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार संगीत में भी प्रत्येक वाद्य यंत्र की आवाज को हम पहचान लेते हैं। ठीक है बेटा, आज इसी के साथ आपका ये अभी पार्ट टू यहाँ पर समाप्त होता है। अब कल अगर कल हम इसके बाद नेक्स्ट जो होता है पार्ट थर्ड लेकर के आपके सामने आएंगे आपके पास, और फिर हम पढ़ाएंगे। हो सकता है 3 या 4 पार्ट में ये चैप्टर समाप्त हो, इसलिए आप डेली इसको लिखते रहिएगा बेटा और याद करते रहिएगा। ठीक है, ओके, बाय।